इंदौर में वेब सीरीज के नाम पर मॉडल युवतियों को पोर्न फिल्म बनाने वाले गिरोह के सातवें आरोपी को साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है। इसने वेब सीरीज बनाने के नाम पर फेसबुक पर लावियना कास्टिंग एजेंसी के नाम पर कई तरह के विज्ञापन भी दे रखे थे। वह कास्टिंग सिलेक्शन भी करता था। फिलहाल राज्य साइबर सेल पकड़ाए गए आरोपी राजेश उर्फ राज गुर्जर से उसके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। उसके पहले साइबर पुलिस इसी मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जो मॉडल युवती ने OTT प्लेटफॉर्म पर अश्लील साइट्स पर जो उसका वीडियो वायरल होने संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी, उसकी विवेचना के दौरान एक और आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। आरोपी का नाम राजेश उर्फ राज गुर्जर है और ये वो व्यक्ति है जो उस फिल्म में मुख्य कैमरामैन था और शूट होने के बाद फिल्म को ये जनवरी में उसकी जो रॉ डाटा है उसको लेकर बम्बई गया था और बम्बई में एडिटिंग के लिए इसने विजयानंद पांडे और अशोक सिंह से संपर्क किया था। इसकी कल गिरफ्तारी की गई। और कुछ सर इसने जानकारी बताई और इसने कहां कहां काम करा? इससे ये जो आरोपी है राज गुर्जर, इससे एक हार्ड डिस्क जब्त हुई है जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है। उसमें रॉ फुटेजेस हैं, वहां जो शूटिंग हुई है उसमें जो डायरेक्टर कैमरामैन मिलकर जो शूटिंग कर रहे हैं और इस मॉडल युवती का जो शोषण करने का प्रयास किया गया उसकी पूरी रॉ शूटिंग जो है उस हार्ड डिस्क पे उपलब्ध है, उसको विधिवत इनसे जब्त किया गया। सर लगभग कितना डाटा मतलब अभी तक बरामद हुआ है इनके आरोपी? देखिए लगातार जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही है उसमें डाटा लगातार बरामद हो रहा है। पहले भी पूर्व में भी जो आरोपी गिरफ्तार हुए थे तो उससे जो कैमरा है जिससे शूट की गई फिल्म वो जब्त हो चुका है। आरोपियों के मोबाइलों में कई सारा ऐसा डाटा है जो इस घटना से संबंधित वो जब्त हो चुका है। और अब ये जो राज गुर्जर के पास से जो हार्ड डिस्क मिली है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है रॉ डाटा उस फिल्म की शूटिंग का, उस वेब सीरीज की शूटिंग का मिला है। सर ये पाकिस्तानी कनेक्शन भी बीच में आया था, उसमें कुछ अपडेट अभी तक? जी, उसमें जो दो आरोपी दीपक सैनी और केशव सिंह जो गिरफ्तार किए गए थे उनसे ये जानकारी मिली थी कि जो उनकी वेबसाइट है फैनियो की, उस वेबसाइट को पाकिस्तान का एक युवक है वो मेंटेन करता है और उसके वजह में उसको शुल्क भी दिया जाता है। उसमें लगातार विवेचना की जा रही है। अभी बीच में साइबर सेल की टीम ग्वालियर सीनियर के ऑफिस भी गई थी जो कि बंद अवस्था में मिला था और उसमें जो भी तकनीकी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है उससे उसकी पहचान स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है और कार्रवाई उसमें की जा रही है।